लैटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी अब की जा रही है। SC ST OBC के आरक्षण पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने लैटरल एंट्री वाला विज्ञापन रोक दिया है। आपको बता दें कि UPSC के द्वारा लैटरल एंट्री के जिक्र किया गया, फैसला लिया गया, 45 पदों पर लैटरल एंट्री की जाएगी। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल होगी, 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन फिलहाल इसको वापस ले लिया गया है। सरकार ने सभी नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। उस लेटर को भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो ये UPSC में 45 पदों पर सीधी भर्ती का बात कही गई थी। फिलहाल सैलरी को लेकर भी जानकारी मिल रही थी। प्राइवेट जॉब वाले भी गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री ले सकेंगे। एक प्रोसेस होता है, आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं जिसके बाद आपको IAS अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद आपकी डेजिग्नेशंस चेंज होती हैं, आपके प्रमोशंस होते हैं। लेकिन लैटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी का ये कहना था कि आप लैटरल एंट्री के जरिए सीधा प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं और सरकार के द्वारा 45 पदों पर लैटरल एंट्री के लिए पद खाली किए जाएंगे और खोले जाएंगे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से भी लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें किसी प्रकार के आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था। ये जो 45 पदों पर सीधी भर्ती का जिक्र किया जा रहा था, इसमें कोई भी आरक्षण नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी भी सरकारी नौकरी की जब बात करते हैं, खास करके UPSC की, तो उसमें रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण होता है। अब लैटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी की जा रही, क्योंकि इस फैसले को अभी वापस ले लिया है। फिलहाल आरक्षण की तैयारी की जा रही, जिसमें SC ST और OBC के आरक्षण पर विचार किया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से लैटरल एंट्री के लिए इन पदों को सामने रखा जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है। सरकार ने लैटरल एंट्री वाला विज्ञापन रोक दिया है। सरकार ने सभी नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। अब एक बार वो पत्र भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें UPSC के द्वारा फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लैटरल एंट्री से जुड़ी हुई है।